1904 में जब हम चावल का धंधा करते थे, आज भी इस एरिया में हमें बात वाला बोलते हैं, क्योंकि बात वाला एक हमारी पहचान है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग चावल का धंधा करते हैं। युवा गोल्लार समाज ने शुरू किया अपना जन सेवा अभियान। बिखरे हुए समाज को एकजुट करने की खाई कसम। गोल्लार समाज को नई चेतना देगा ये संगठन। युवा गोल्लार समाज सेवा फाउंडेशन ने गोल्लार समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है, तो समाज के लोगों को जागरूक कर अपनी खोई हुई पहचान को दुनिया के सामने लाने का प्रयास भी कर रहा है। गोल्लार समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाकर इस युवा गोल्लार समाज सेवा फाउंडेशन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई अपनी शुरू की है। 117 साल हो गए आपका इधर आने, आपका समाज ने जी। तो 117 साल में आप लोगों ने कुछ भी नहीं, कोई आगे बढ़ा, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मेन रीजन है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन से हम लोग वंचित रह गए, क्योंकि हम भटके समाज है। हमारी जिंदगी जीने के लिए तो हम कभी ये स्टेट में रहते थे, वो स्टेट में अगर हमको सुविधा नहीं मिला तो हम दूसरे स्टेट में गए, तो वहाँ पर अगर सुविधा नहीं मिला तो तीसरे स्टेट में गए। तो ऐसा हमारी जो गोल्ला समाज है ये अलग अलग स्टेट में है। अपनी संस्कृति को पुनः समाज के बीच वापस लाना, तो लुप्त होती जा रही मातृभाषा को पुनर्जीवित रखना इत्यादि कार्यों के साथ गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के लिए सहायता प्रदान करने का कार्य भी अब शुरू किया गया है। नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में वर्ली परिसर में 8 अक्टूबर से ही 3 दिवसीय शक्ति जागरण और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संस्था के अध्यक्ष गोविंद गोल्लार, उपाध्यक्ष रमेश तिम्माजी गोल्लार, सेक्रेटरी मारुति गोल्लार, उप सेक्रेटरी लक्ष्मण विकाजी गोल्लार, ट्रेजरर संतोष गोल्लार, उप खजानजी गोविंदा बड़ौदा, कार्याध्यक्ष संतोष दुर्गा गोल्लार, उप कार्याध्यक्ष सुरेश गोल्लार, तो व्यवस्थापक मंडल में बाबू तिम्मा गोल्लार, टंगर मारुति गोल्लार, संजय रामा गोल्लार, आनंद दुर्गा गोल्लार, मारुति धनसेट्टी, दशरथ भोसले, भीमा रामजी गोल्लार, राजेश गोल्लार, सूरज गोल्लार, अभिषेक गोल्लार, करण गोविंदा इत्यादि का योगदान रहा। मुंबई का कामाटीपुरा गोल्ला समाज का मैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष। ये हमारी समाज 1904 में मल्हार राव मुकुंदराव यादव, इन्होंने उस जमाने में 1904 में हमारे समाज का एक मंदिर बांधा, कामाटीपुरा आजी के लिए निधनता मंदिर 1907 में उसका स्थापना हुई। इसमें हमारे समाज का इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। जब देश आज़ाद हुआ 47 में अपना महाराष्ट्र सरकार का जो कलेक्ट्रेट 1960 में हुआ है, 1960 में, जब 1960 में ये चैरिटी कमीशन में हमारे कुछ लोग ट्रस्टी बन चुके, लेकिन हमारा समाज उन्नति नहीं होने की वजह ये है, हमारे में समाज में सब बैकवर्ड है, स्कूल क्वालिफिकेशन वाले बहुत कम थे, रुपया में पाई रुपई, बाकी सब लेबर वर्क करते हैं। अभी लेबर वर्क जीने वाला आदमी पढ़ाएगा क्या और खाएगा क्या? ऐसा अभी वो जनरेशन से मैं पैदा हूँ, अभी मेरा जनरेशन में मेरा बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हाई क्वालिफाइड किया है, लेकिन क्यों? मेरे को थोड़ा अक्षर ज्ञान आया, मेरे माँ बाप को तो अक्षर ज्ञान तो नहीं था, वो ऐसा है। आज भी महाराष्ट्र सरकार से हम लोग अगर सर्टिफिकेट मांगते हैं, तुम्हारा बाप दादा जो बम्बई के अंदर 1960 से पहला कोई दाखिला में कोई स्कूल में पढ़ा लिखा हो उसी को हम सर्टिफिकेट देंगे। अरे उस जमाने में खाने का वांधा था, तो हम पढ़ेगा किधर? अभी सरकार इस तरीके से बोलता है, और मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास पब्लिक आते हैं, हमारे समाज के अध्यक्ष साहब हमारा समाज का फिर सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लेके करोगे क्या? अभी हम ओल्ड कस्टम में जाते हैं कि बाबा हमारा ये एनटीसी में पढ़ता है, गुल्लेवार है, गौली है, यादव है, ये सब हमारा धनगर है, ये सब समाज महाराष्ट्र का जीत है, एक ही में पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या प्रूफ करेंगे? अभी मेरा माँ जिंदा है, 97 उम्र का है, वो मुंबई में पैदा हुआ, लेकिन हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? है ही ना इधर। लेकिन जब से राशन कार्ड यहाँ पे पैदा हुआ महाराष्ट्र में, जब से हमारे पास राशन कार्ड है, वो देने के बाद तो भी देना चाहिए ना,
अगर उन लोगों ऑफिसर लोग अपनी मनमानी का कानून चाटता है, वो कानून को जवाब देने वाला कौन? ये सरकार सोचना चाहिए ना। आपने मुझे दिया है आज में गुड़ खाने के लिए, लेकिन चाटने नहीं जा रहे, ये आदमी नहीं। आप तो सब सुविधाएं दिया, हम सब बटिया विमुक्ति जाति वाले जितनी भी है हर एक को फैसिलिटीज दिया करके सरकार हर जगह पर चिल्लाते हैं, किसको दिया है बताइए? हमारा गोल्ला समाज में कभी एक आदमी को ऐसा नहीं आया संस्था के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मीडिया कर्मी श्री गोविंद गोलार ने गोल्ला समाज के विकरे स्वरूप पर प्रकाश डाला तो इन्हें एकजुट कर देश की महाशक्ति बनाने का भरोसा दिलाया है। सरकार को अभी तक ये भी पता नहीं कि गोल्ला समाज कहीं पर है, कुछ है महाराष्ट्र में है, वो उनको महाराष्ट्र जो उनकी तादाद में है वो वहाँ पर पहुँचे, मगर हम जो है 1904 में जो आंध्रा से अलग अलग राज्यों में अभी बसे हैं हम लोग, तो हमारी आवाज़ अभी तक सरकार के पास पहुंची नहीं। इसका हमारा मकसद ये है कि ये हमारी युवा पीढ़ी की आवाज़ और हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा एक कर्तव्य समझ। अगर कोई इत्तेफाक से अगर उन लोगों ने अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो अपने बलबूते के ऊपर लग गए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई मेहरबानी से नहीं। इस युवा संगठन के प्रमुख सलाहकार के तौर पर तिम्मा जी गोल्लार, भीम जी गोल्लार, दुर्गा गोल्लार, राजा राम गोल्लार, मारुति गोल्लार, तिम्मा गोल्लार, काशी राम जी गोल्लार, राम जी गोल्लार, गुरुआ गोल्लार, जॉनी गोल्लार, रामा पाटिल एवं कमाटीपुरा से सुरेश अन्ना की नियुक्ति की गई है। ये मानवता का सेवा और गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और हमारे वर्ग में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी एक वक्त का खाना नहीं खाते। लेकिन वैसे तो इस समाज की मातृभाषा तेलुगु ही रही है, लेकिन भारत की सभी भाषाएं ये बोलते हैं। यायावर जीवन होने के कारण कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सहित पूरे भारत में आज ये समाज बिखरा पड़ा है। कई लोगों को पता ही नहीं, आज हम लोग हमारे जो जन पीढ़ी है ये सब भूल गए, आज तक हमारी मातृभाषा भी भूली हुई है। हमारी जो मातृभाषा है वो है तेलुगु, मगर हम लोग हमारे जो समाज है गोल्ला समाज, वहाँ से जब 1904 में जब मुंबई आई, उसके बाद हमारे जो पूर्वज है काम धंधे के सिलसिले में अलग अलग राज्य, हम जिस राज्य में बस गए हम उसी की भाषा को अपनाने लगे। आज हमारे पास हमारे जो यंग लड़के लोग हैं उनको अपनी भाषा नहीं आती, जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो उनको हंसने आता है। इसका मेन कारण ये है कि उनको पता नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है। मुंबई में भी गोल्ला समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन एकजुटता की कमी के चलते इनका विकास अभी भी नहीं हो सका है, और आज भी इस समाज के बड़े तबके को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वह समाज है भटकी जात बोलते हैं ना, भटकी समाज है। कोई मराठी में गोल्ला समाज है, लेकिन वो कभी खुल के ये नहीं है कि हम गोल्ला है, लेकिन वो अपने तक ही सीमित रह गए। अभी यहाँ पर ये पहली पहल है मुंबई में कि हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी गोल्ला समाज है सबको एकत्रित करें, और हमारी जो मांग है जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम धंधा नौकरी के लिए हम सरकार को जगाए कि भाई हम भी एक समाज है। आप एक ही जगह पे देखोगे सभी गोल्ला एक ही जगह पे, सौदत्ती एक ही जगह पे रहेंगे, गोकाक एक ही जगह पे, धारवाड़, हुबली, अब कर्नाटक में ऐसे कहीं अलग अलग तालुकों में गोल्ला समाज एक ही जगह पे है। जैसा आइए मुंबई, भारत नगर में गांधीनगर में, और जैसा कुलाबा, माटुंगा, ये सब एक ही जगह पे, विक्रोली, ये सब एक ही जगह पे बसे हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम जब काम धंधे के लिए जब हम आंध्रा से जब आए तो हम लोग एक एक जगह पे बस गए। उसका कारण है कि सुविधा, हम लोग 10 लाख के आसपास है सिर्फ मुंबई में, लेकिन हमें पता नहीं ये कौन है। जैसे आप महाराष्ट्रीयन एरिया में, उसमें भी गोल्ला है लेकिन हमको उनको पहचान नहीं है, वो भी गोल्ला है। और जैसा कर्नाटक में गोल्ला है लेकिन उसके यार हमारी जान पहचान नहीं, उसका रीज़न क्या है? वो वहीं पर बस गया और किसी के साथ संपर्क में नहीं रहा। कि गोल्ला समाज भी किधर है वो तो ऑन पेपर है गोल्ला समाज बोल के, लेकिन गोल्ला के लोग अभी तक ऊपर लेवल में नहीं है। जैसा आप बोलते हो नगर सेवक मंत्री, आपको साउथ साइड में मिलेंगे मंत्री भी है नगर सेवक भी है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं।
हिंदू गोला समाज ही सरकारी रिकॉर्ड में है। हालांकि इस समाज ने सारे देश की भाषा और संस्कृति को अपनाया है, लेकिन इनको अभी भी समाज ने अपना पूरा साथ नहीं दिया। इनकी शैली, इनकी परंपरा को अभी भी नहीं अपनाया। इसीलिए युवा गोला समाज का यह अभियान और संकल्प इस समाज में नई क्रांति और चेतना का रास्ता अवश्य खोलेगा। बच्चे लोग आज प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज इनको पता, आज इनका मीडिया चैनल का ओनर 24 टाइम का, तो अभी लोग जो लोग हैं, अभी जो जनरेशन है, ये अभी धीरे धीरे जो है डेवलप कर रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों को खटकता होगा कि हमारा आज ऊपर तक बात पहुंचाने वाला कोई नहीं। हम रखते हैं सच दिखाने का मादा, देखते रहिए हमारा मुद्दा। HM न्यूज मुंबई। आई मंडप लगलगतई, मंडप लगलगतई, अबे माहुली डाला न हसतई। मंडप लगलगतई, अबे माहुली डाला न हसतई।